नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है अर्थ एंड स्पेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इसरो और नासा के जॉइंट मिशन के बारे में बताऊंगा, जिसकी लॉन्च डेट 2021 में रखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज के इस मिशन के बारे में बताने से पहले हम आपको भारत और अमेरिका के पुराने संबंधों के बारे में बताना चाहेंगे। आज से तकरीबन 25 साल पहले वर्ष 1992 में स्पेस में भारत की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने जबरदस्त चाल चली थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसरो पर प्रतिबंध लगा दिया था। इतना ही नहीं, उस समय अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाकर उसे भारत के साथ इंजन तकनीक साझा करने से भी रोक दिया था। लेकिन तमाम प्रतिबंधों और मुश्किलों के बाद भी इसरो GSLV को बनाने में कामयाब रहा। इसमें लगने वाले इंजन को भारत में ही विकसित किया गया। इसरो ने अपने दम पर ऐसे मिशंस किए हैं जिनसे भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हो गया है। अमेरिका जो पहले भारत को आंखें दिखाता था, अब उसकी नज़र बदल चुकी है। आज अमेरिका भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहता है। अमेरिका को अब महसूस होने लगा है कि आने वाले समय में उसे रशिया से ज़्यादा चुनौती इंडिया से मिलेगी, इसलिए वो इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहता है। तो चलिए जान लेते हैं इस मिशन के बारे में। नासा 2007 से पृथ्वी की संरचना और बर्फीले स्थानों में होने वाले बदलावों को सिंथेटिक अपर्चर रडार के जरिए मापने की संभावना पर काम कर रहा है। इसी काम को अंजाम देने के लिए नासा ने इसरो से हाथ मिलाया है। नासा के मुताबिक इसरो से बेहतरीन इस योजना में और कोई बेहतर साझेदार नहीं हो सकता। अब दोनों देश मिलकर एक ऐसी सैटेलाइट तैयार करने जा रहे हैं जिससे प्राकृतिक आपदाओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। इस सैटेलाइट का नाम है निसार सैटेलाइट। इस प्रोजेक्ट को 2014 में साइन किया गया था जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा इंडिया आए थे। निसार की फुल फॉर्म नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट को 2021 में लॉन्च किया जाएगा। यह सैटेलाइट दुनिया की सबसे महंगी इमेजिंग सैटेलाइट होगी, जिस पर करीब $1.5 बिलियन का खर्च आएगा। इस सैटेलाइट को दो हिस्सों में तैयार किया जाएगा। एक होगा एल बैंड 21 सेंटीमीटर रडार और दूसरा होगा एस बैंड 13 सेंटीमीटर रडार। इनमें से एस बैंड 13 सेंटीमीटर रडार इसरो द्वारा तैयार किया जाएगा और एल बैंड को नासा बनाएगा। इस सैटेलाइट के जरिए पृथ्वी की बिल्कुल साफ तस्वीरें ली जाएंगी और प्राकृतिक घटनाओं जैसे भूकंप, सुनामी, बर्फ का पिघलना, ज्वालामुखी का फटना आदि विषयों के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी इकट्ठा की जाएगी और इन आपदाओं को रोकने की कोशिश की जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम इस बात को समझने के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं कि आपदाएं कैसे विकसित होती हैं। उनका कहना है कि इस मिशन के द्वारा पृथ्वी में होने वाले परिवर्तनों को समझा जाएगा, जैसे ज्वालामुखी कब और क्यों फटते हैं, बर्फ की चादरें कैसे बदल रही हैं, समुद्र का स्तर कैसे प्रभावित हो रहा है, जंगल में आग और पेड़ों की कटाई से वातावरण कैसे प्रभावित हो रहा है आदि। दोस्तों, इसरो ने इससे पहले भी एक बेहतरीन इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका नाम था RESET-1। नासा ने इसरो की इस सैटेलाइट की सराहना की थी क्योंकि ये सैटेलाइट दिन और रात के समय पृथ्वी की साफ तस्वीरें लेने में सक्षम थी। निसार सैटेलाइट का एक छोटा मॉडल तैयार कर लिया गया है जिसकी टेस्टिंग भारत के अहमदाबाद शहर में की गई थी और ये टेस्टिंग बिल्कुल सफल रही थी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि 2021 में निसार सैटेलाइट को भारत से लॉन्च किया जाएगा और भारत के ही GSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, जो देश पहले इसरो पर प्रतिबंध लगाता था और अब वही देश इसरो की तरक्की देखकर इसकी मदद चाहता है। इंडिया के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि बड़े बड़े देश आज भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इस बात पर मैं इसरो को थैंक्स कहना चाहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहूँगा। हम आशा करते हैं कि इसरो ऐसे ही तरक्की करता रहे और भारत देश का नाम रोशन करता रहे। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि हर भारतीय इस वीडियो को देख सके और उन्हें इसरो की इस कामयाबी के बारे में पता लग सके। मैं मिलूँगा ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।